हेलो एवरीवन वेलकम टू महर्षि कनाथ एकेडमी जैसे कि कल एक वीडियो uh, हम लोग आपके लिए लेकर आए थे जिसमें एन के द्वारा जो पब्लिक नोटिस आंसर की चैलेंज को लेकर जारी हुआ था उसके बारे में हमने आपको बताया था तो उस समय लिंक आपका जारी नहीं हुआ था जिस लिंक के माध्यम से आप अपनी आंसर की देख सकते हैं या जो आपने आ, आपका क्वेश्चन पेपर है वो देख सकते हैं ऐसा कुछ भी पार्ट नहीं था लेकिन अभी एक लिंक जारी हुआ है तो काफ़ी सारे स्टूडेंट्स को कुछ दिक्कत आ रही है कि वो नहीं देख पा रहे अपनी जो आंसर की है उसको तो वो कैसे आपको देखनी है कैसे डाउनलोड करनी है किस तरीके से आप क्वेश्चंस को चैलेंज कर सकते हैं है ना कैसे क्वेश्चन को चैलेंज करने के बाद जो आपका सोर्स होता है उसको आपको अपलोड करना है वो सारी चीज़ें मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको बताने वाली हूँ तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा एंड दूसरी चीज़ की आप किन क्वेश्चंस को जो आपका योग का पेपर है है ना उसमें आप किन क्वेश्चंस को चैलेंज कर सकते हैं पेपर वन के किन क्वेश्चंस को आप लोग चैलेंज कर सकते हैं उसका वीडियो भी आज शाम तक आपको मिल जाएगा एंड आप लोग बने रहिएगा कणाद एकेडमी के साथ उस इंपॉर्टेंट वीडियो के लिए भी तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि कैसे आपको अपने आंसर की देखनी है और कैसे चैलेंज करना है क्वेश्चंस को यहाँ पर आप लिंक देख रहे हैं यूजीसी नेट दिसंबर 2023 आंसर की चैलेंज विंडो ओपन तो यहाँ पर आपको इस पर क्लिक कर लेना है आपका जो भी एप्लीकेशन नंबर है जो आपका डेट ऑफ बर्थ है और यहाँ पर सिक्योरिटी पिन है उसको आपको यहाँ पर अपलोड करना है ठीक है यहाँ पर एंटर करना है जैसे ही आप लोग अपना एप्लीकेशन नंबर डेट ऑफ बर्थ डालेंगे इस तरीके का पेज आपके सामने ओपन हो जाएगा उसके बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं आंसर की नाम का एक ऐसे लिंक आपके सामने है तो इस पर आपको क्लिक कर लेना है जैसे आप आंसर की पे क्लिक करते हैं वैसे ही आपके सामने कुछ चीज़ें ओपन हो जाएंगी जिसमें आपका एप्लीकेशन नंबर आपका नाम फादर्स नेम ये सारी चीज़ें आपको शो होंगी उसके साथ ही एक एक्स्ट्रा चीज़ है यहाँ पर व्यू आंसर शीट ठीक है व्यू आंसर शीट यानी कि जो आपकी आंसर शीट है जो आपका क्वेश्चन पेपर है उसमें जो आपने आंसर चूज किए हैं वो आपको शो करता है तो इसमें आप अपना आंसर शीट को यहाँ पर देख सकते हैं ठीक है जी अब आपने यहाँ पर आंसर शीट अपनी ओपन कर ली है अब आपको जब मैच करना है कि किस तरीके से मैच करना है जो सही तरीके से आप लोग मैच कर सकते हैं उसके बारे में देखेगा यहाँ पर चैलेंज पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे चैलेंज पे क्लिक करते ही आपके सामने एक और पेज ओपन हो जाएगा जिसमें कुछ क्वेश्चन नंबर्स दिए गए हैं एक लिस्ट टाइप की आपके सामने ओपन होगी दूसरा यहाँ पर करेक्ट ऑप्शंस और करेक्ट आंसर्स बताए गए हैं ये जो करेक्ट ऑप्शन और करेक्ट आंसर्स हैं ये एन की तरफ से जो आपकी आंसर की जारी हुई है ये वही है कि आपके कौन से जो आंसर्स है वो सही हैं उनके हिसाब से ठीक है उन्होंने जो आंसर यहाँ पर बताए हुए हैं दूसरा आप यहाँ पर देखेंगे बॉक्सेस कुछ ओपन है यहाँ पर बॉक्सेस दिए गए हैं तो ये है ये ऑप्शंस दिए गए हैं आपको जिन आंसर्स को आप चैलेंज कर सकते हो तो सबसे पहले तो हम मैचिंग की बात कर लेते हैं कि आपको सही तरीके से अपने आंसर्स को अपने आंसर शीट के साथ कैसे मैच करवाना है तो जैसे आप आंसर शीट अपनी ओपन करते हैं उसमें आप देखिएगा यहाँ पर साइड में ऊपर की साइड में क्वेश्चन आईडी दी गई है और ऑप्शन आईडी दी गई है ठीक है और जो आपने आंसर चूज़ किया है वो भी दिया गया है ठीक है जी अब आपको क्या करना है सिंपली ये जो क्वेश्चन आईडी है इसको देखिएगा यहां पर जो क्वेश्चन आईडी है ये है ठीक है और इनके माध्यम से जो यहाँ पर दिया गया है सीरियल दोनों में डिफरेंस है तो आप ऐसे नहीं करेंगे कि ये सीरियल नंबर यहां से देख लिया और पहला क्वेश्चन जो आपके आंसर शीट पे शो हो रहा है उसको देख के ऑप्शन मैच कराए नहीं ऐसा नहीं करना है आपको गलत आप लोग मैच कर लेंगे तो सिंपली ये जो क्वेश्चन नंबर इनकी तरफ से दिया गया है आप इसको सेलेक्ट इसको आपको क्या करना है इनकी तरफ से जो आपको क्वेश्चन दिया गया है उसको आप सेलेक्ट कर लीजिए तो ये जो क्वेश्चन है इसको आप सेलेक्ट करके कॉपी कर लीजिए और जो आपकी आंसर शीट आपके सामने है उसमें आप कंट्रोल एफ़ करके जब फाइंड करेंगे वहाँ पे इसको पेस्ट कर लीजिए ठीक है अब जैसे आप करेंगे आपके सामने वही क्वेश्चन फाइंड में जाकर वही क्वेश्चन आपके सामने ओपन हो जाएगा उसी आईडी का जो आईडी आपने वहाँ से कॉपी करके अपनी आंसर शीट में पेस्ट करी है फाइंड में जाके ठीक है तो इसके लिए आप क्या कर सकते हैं पीडीएफ में पहले डाउनलोड कर लीजिए अगर आपके ब्राउजर में ऐसा कुछ नहीं हो पा रहा है तो पी में फाइंड करना ऑप्शन रहता है फ़ोन में भी ऐसे ही फाइंड कर सकते हैं तो फोन में भी ये ऑप्शन होता है आपका आ, तो इसमें आप जैसे ही आपके सामने क्वेश्चन आएगा आप देख लीजिए आपने कौन सा आंसर चूज़ किया आपने किया है ऑप्शन नंबर वन चूज़ आपके हिसाब से, से जो आंसर था अब इनकी तरफ से जो आंसर दिया गया है इसका करेक्ट ऑप्शन आपका टू दिया गया है ठीक है तो यहाँ पर आप इस तरीके से इसको मैच कर सकते हैं कि कितने आंसर आपके सही हैं कितने गलत है दूसरा आपको किसी भी क्वेश्चन में ये डाउट है कि क्वेश्चन ही गलत है तो क्वेश्चन को आप चैलेंज कर सकते हैं क्वेश्चन uh, गलत हो के या जो उसके ऑप्शन दिए गए हैं उनमें से कोई भी आपका आंसर नहीं हो सकता आपको किसी सोर्स से पता चलता है तो अब ये पार्ट कैसे आपको करना है इसका देखिएगा फॉर एग्जाम्पल अभी जो हमने क्वेश्चन देखा इसमें आपकी तरफ से आंसर दिया गया वन फॉर एग्जाम्पल और यहाँ पर जो आंसर शीट में आंसर दिया गया है जो करेक्ट ऑप्शन है इनकी तरफ से वो है टू अब आपको लगता है ये जो टू ऑप्शन है नहीं ये गलत है और आपके पास बिल्कुल सही सोर्स आपके पास अवेलेबल uh, है जिसके माध्यम से आप अपने आंसर uh, को बता सकते हैं प्रूफ कर सकते हैं कि आपका जो आंसर है वो ठीक है तो आपको क्या करना है आपका जो सोर्स uh, है उसका आपको फोटो लेके उसको पीडीएफ में आपको कन्वर्ट करना है पी में कन्वर्ट करके आप लोग अपने पास रख लीजिए उसको एंड एक एक क्वेश्चन को चेक करने के बाद तो जितने क्वेश्चंस भी आपको चैलेंज करने हैं उसके हिसाब से आप बाद में एक साथ कर सकते हैं फिर आपको यहाँ पर जैसे कि इन्होंने करेक्ट ऑप्शन टू दिया है और आपके हिसाब से वन ऑप्शन सही है तो आप यहाँ पर अपना ऑप्शन सेलेक्ट कर लेंगे जो भी आपको आंसर क्लेम्ड आंसर की लिस्ट अपलोड डॉक्यूमेंट ठीक है उसके बिहाफ पे जो भी डॉक्यूमेंट आपको अपलोड करना है यहाँ पर उस फाइल को चूज़ कर लेंगे ठीक है चूज़ के ऑप्शन पे जैसे आप क्लिक करेंगे आपने जहाँ पर सेव की हुई है वहाँ से सेव करके उस पर्टिकुलर फाइल को ओपन कर लेंगे ओपन करने के बाद आपको उसको यहाँ पर सिक्योरिटी पिन या जो कैप्चा है उसको एंटर uh, करना है एंड सबमिट एंड रिव्यू क्लेम कर देना है इस तरीके से आप अपने पर्टिकुलर किसी भी क्वेश्चन को इस तरीके से चैलेंज कर सकते हैं दूसरी चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि जो भी आप फाइल अपलोड करेंगे वो पीडीएफ में होनी चाहिए और उनका जो साइज है वो एक एम से ज़्यादा ना हो एक एम मैक्सिमम इन्होंने साइज यहाँ पर दिया हुआ है देख सकते हैं आप इन केस द कैंडिडेट्स वॉन्ट टू सबमिट डॉक्यूमेंट्स इन सपोर्ट ऑफ चैलेंज ऑफ आंसर की द शुड द शुड अपलोड द पी डी एफ फाइल विद मैक्सिम साइज ऑफ वन एम बी ठीक है जी तो वन एम बी से ज़्यादा नहीं होना चाहिए उससे कम चलेगा उससे ज़्यादा नहीं चलेगा इस तरीके से आप बिल्कुल सही सही अपनी आंसर की को पहले तो मैच कीजिए मैच करने के बाद जो भी आपको लगता है कि नहीं ये आंसर इसका होना चाहिए था या जो आंसर आपने दिया है वही उसका आंसर है इनकी तरफ से जो आंसर दिए गए हैं वो गलत है तो वो आप कर लीजिए क्योंकि इसके बाद एक और रिवाइज्ड आंसर की आपकी जारी होती है जिसके बिहाफ पे आपकी कट ऑफ भी जारी की जाती है ठीक है तो इस तरीके से कीजिए इसके अलावा भी अगर आपको किसी तरीके की दिक्कत आती है तो आप हमें कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं इसमें जो शॉर्ट तरीका है वो मैंने आपके सामने रख दिया है कि आप कैसे कैसे मैच कर सकते हैं और क्वेश्चन आईडी से ही आपको मैच करना है जो आपके आंसर शीट में क्वेश्चन आईडी है उसको देखिए इनकी तरफ से जो दिया गया है क्वेश्चन उसको देखिए कि कहाँ पर है और उसमें क्या ऑप्शन दिया गया है सीरियल वाइज अपना और इनका सीरियल वाइज इस तरीके से मैच मत करिएगा आपसे मिस्टेक हो सकती है तो आज की वीडियो में इतना ही और शाम तक आपको योग का जो आपका पेपर है पेपर वन और जो पेपर वन है उसमें कौन से क्वेश्चंस को आपको चैलेंज करना है उसका एक वीडियो भी हम लोग आपके सामने लेकर आएंगे धन्यवाद